Let's go. तो आज हम बिल्ड करने वाले 3.85 अराउंड लैक्स का माइनिंग पीसी माइनिंग सिस्टम। जी हाँ, हमने यहाँ पर सब कुछ जो सामान है ऑफलाइन रिटेलर स्टोर से खरीदा है एंड काफी बजट में हमें यहाँ पर माइनिंग सिस्टम देखने को मिलता है। फिलहाल तो हम काफी लेट हो गए, लेकिन माइनिंग सिस्टम के लाइन पे भी हम अभी उतर चुके हैं एंड यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देते हैं क्या क्या हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मदरबोर्ड जो यूज करने वाले हो ब्रांडेड बायोस्टार्स का H61B जो कि लगभग 6 GPU कार्ड स्लॉट सपोर्ट करता है एंड आप जरूर से राइजर्स को लगा के इसको एक्सपांड कर सकते हो। ठीक है, राइजर से ही आप जो है वो GPU का एक्चुअल एक्सपांशन कर सकते हो। प्रोसेसर जो यूज करने वाले वो है इंटेल का i3 सेकंड जनरेशन। जी हाँ, मदरबोर्ड पे हमने जो है प्रोसेसर इनबिल्ट यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया था दुकान में ही। रैम मिलती है 4 GB की DDR3 यहाँ पर। जी हाँ, बेसिक सी रैम है। माइनिंग सिस्टम के लिए रैम की कोई ज्यादा पावर लगने वाली या फिर वो कोई ज्यादा यूज नहीं होने वाला, नॉर्मल सा यूज है। सिर्फ वर्किंग कंडीशन के लिए परफॉर्म होने वाले, जिसमें से सिर्फ 2.3 या फिर 3 GB तक यूज होने वाला है। तो यहाँ पर रैम के लिए हमने ज़्यादा कुछ फोकस नहीं किया है। SSD जो है वो SSD भी आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हो या फिर आप पेनड्राइव से भी बूट कर सकते हो। हमने यहाँ पर अलोहा की 128 GB की नॉर्मल SSD खरीदी है एंड सभी के प्राइसिंग्स में आपको जरूर से लिस्ट डाउन कर दूंगा। GPU जो है हम यूज़ कर रहे हैं पावरफुल RTX 3070। तो लगभग हमने 3 GPUs खरीदे एंड यहाँ पर GPUs की प्राइसिंग की बात करें तो वो है लगभग 1,22,000 रुपीज़। जी हाँ, सिंगल पीस 1,22,000 रुपीज़ में हमें मिला है। तो आप कैलकुलेट कर लेना multiply by 3 करके। राइजर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर वर्जन 009S+। जी हाँ, प्लस यहाँ पर मिले हैं, काफी अपडेटेड राइजर्स यहाँ पर मिले हैं जो कि आपका सिस्टम जो है GPUs का पावर सप्लाई वगैरह सब कुछ हैंडल इजीली कर सकता है। हैवी ड्यूटी के लिए लगभग 750 रुपीज तक हमें यहाँ पर राइजर्स मिले हैं एंड हमने यहाँ पर 3 राइजर्स फिलहाल तो यूज कर रहे हैं। पावर सप्लाई जो हमने यूज किया है वो है GigaByte का P750GM। जी हाँ, यहाँ पर 750W का पावर सप्लाई यूज जो कि 80+ मॉड्यूलर पावर सप्लाई है। जी हाँ, मॉड्यूलर पावर सप्लाई जाने की काफी मस्त अपग्रेडेशन आप कर सकते हो, इवन हार्ड डिस्क में भी या फिर आप बोल सकते हो GPUs में भी। तो अपग्रेडेशन टॉप लेवल पे आपको मिलने वाली है। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से सेटअप यहाँ पर कर देते हैं। और कुछ नहीं बचा है, बचता है तो सिर्फ वो फ्रेम, जो फ्रेम हमने यहाँ पर कारपेंटर से बनवा ली है, कैसे तो जोड़ तोड़ के 1200 रुपए में तक बन जाती है। और नॉर्मल यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक फ्रेम बनाई है जो कि हम फ्यूचर में भी GPUs एक्सपेंशन करने वाले, बट स्टार्टिंग तो हम यहाँ पर RTX 3070 से कर रहे हैं 3 GPUs के साथ में। एंड मार्केट में बहुत सारे LHR एंड non-LHR का झमेला चालू है, तो आपको एक बार बता देते हैं। LHR मतलब यहाँ पर होता है लाइट हैश रेट्स वाले GPUs जो कि माइन करते हैं मतलब आधा स्पीड्स पे, मतलब आधा हैश रेट्स पे माइन करते हैं। एंड non-LHR GPU जो होता है जहाँ पर आपको हैश रेट्स पे कोई लिमिट नहीं रहती, जो ओवरक्लॉक या फिर अनलॉक वर्जन होता है। तो non-LHR GPUs में जहाँ पर आपको 60 MH/s का हैश रेट स्पीड देखने मिलेगा एंड LHR में आपको वो हाफ में देखने मिलेगा, मतलब लगभग 30 का जो स्पेसिफिक कॉइन के लिए माइन होता है। जो एग्जाम्पल लेते हैं इथेरियम का, जो वहाँ पर आपको ये हैश रेट स्पीड देखने मिलेगा LHR में 30 का एंड non-LHR में 60 का मिलेगा। तो पर्टिकुलर कुछ क्रिप्टो करेंसीज के लिए यहाँ पर LHR GPU जो है वो प्रॉपर काम करते हैं एंड non-LHR जो है वो सभी क्रिप्टो करेंसी के लिए उसका ओरिजिनल मेगा हैश रेट्स देता है। अभी फिलहाल तो मार्केट्स में non-LHR प्रोडक्ट जो है वो कम होने लग गए, 3070 भी अभी खत्म होने को आ रहे हैं एंड 3090 पे ही सब यहाँ पर जाने वाले। तो प्राइजिंग्स के हिसाब से 3070 जो है वो बजट में मिलता है, लेकिन 3060 एंड 3060 Ti ये भी बेस्ट ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पर आपको non-LHR वर्जन देखने को मिलते हैं, जिस भी कीमत में मिल रहा है उठा लेना। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पर मदरबोर्ड पे हमने ऑलरेडी प्रोसेसर एंड फैंस वगैरह सब रैम यूज कर दिया है, तो हम ज्यादा देरी नहीं करते हुए सीधा कंप्लीट पूरा कनेक्शन कर देते हैं एंड एक बार झलक दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हमने सब कुछ कनेक्शन कर लिया है, तो लगभग 24 पिन का यहाँ हमें पावर सप्लाई दे दिया है, GPUs को कनेक्शन दे दिए। सिंगल टेस्टिंग हमने फिलहाल तो यहाँ पर नॉर्मल मदरबोर्ड पे कनेक्शन टेस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे करके, भाई इतना पैसा खर्च किया है तो सामान जो है वो कुछ शॉर्ट ना हो, कुछ जल ना जाए, तो यहाँ पर सेफ्टी बाय सेफ्टी स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर जा रहे हैं। तो फिलहाल तो ब्लैंक का मदरबोर्ड से यहाँ पर बूट किया, फिर एक सिंगल GPU पे ट्राई किया एंड देन हमने यहाँ पर मल्टीपल GPU जरूर से यूज किए हैं। तो राइजर्स लगा के जो है सभी जो GPU वगैरह है वो एक्यूरेट रन कर रहा है। यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक हो रही है, मतलब आपका राइजर जो है वो एक्टिव हो गया, रेड एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन से। पावर सप्लाईज भी यहाँ पर काफी बेस्ट पावर कंजम्पशन वगैरह दे रहा है। स्टार्टिंग में जो मेगाहर्ट्ज था वो 50 अराउंड था 50-54 तक जा रहा था एंड उसका टेम्परेचर भी 72 अबव यहाँ पर टच कर रहा था, 70+ का टेम्परेचर, पूरा हीट पूरा गर्म वाला माहौल यहाँ पर बन गया था एंड थोड़ी सी ओवरक्लॉकिंग करने के बाद 60 का मेगा हैश वगैरह देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो NVIDIA का RTX 3070 का मेगा हैश जो है नॉर्मल सिंगल का 60 मेगा हैश है एंड ये जो GPU है काफी कमाल का दिखता है, काफी प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पर लुक में है।
मार्केट्स में आपको अवेलेबल देखने को नहीं मिलेंगे, जितना भी अभी अवेलेबल से वो सब आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। एंड हम यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ करने वाले हैं वो हाइव ओएस को इंस्टॉलेशन करना काफ़ी सिंपल है। सिर्फ ध्यान से वहाँ पर हाइव ओएस के ऑफिशियल वेबसाइट में स्टेप्स दिए वो जरूर से फॉलो करना। आपको यहाँ पर रिग बिल्ड करने के लिए उनको ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन भी करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा रिग। आपको आपका फार्म तो ऐसे ही बन जाएगा जैसे आप लॉगिन कर जाओगे, लेकिन जब आपको रिग बिल्ड करना है तो आपको रिग का एक एडिशन आपको डालना पड़ेगा, कितने रिग्स है आपको। एंड फ्री अकाउंट्स में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 रिग्स आप बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल रिग्स है जहाँ पर मल्टीपल जीपीयूज काम करने वाले हैं, सिंगल वर्कर्स है, तो यहाँ पर हमने रिग्स बना दिए। रिग्स का आपको आईडी एंड पासवर्ड वहाँ पर हाइव ओएस में इंस्टॉलेशन के टाइम इंसर्ट करना है। एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा कमांड वाला है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप लिनक्स ऑपरेटर्स हो तो काफ़ी इजीली वे में आप जरूर से इंस्टॉल कर सकते हो। ज़्यादा कुछ इंस्टॉलेशन में टाइम नहीं है, बस आपको पासवर्ड्स एंड यूज़र आईडीज वगैरह सब डालना है, बाकी सब कुछ जो है सिस्टम करना शुरू कर देगा। ड्राइवर जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम डाउनलोड कर देता है, जैसे जैसे आप नेट कनेक्शन जैसे जैसे प्रोवाइड करते हो उस हिसाब से आपका जो है ड्राइवर्स एंड आपका उतना जल्दी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर वाईफाई अडेप्टर यूज़ किया, तो वाईफाई अडेप्टर में जो भी पासवर्ड्स एंड SSID जो था वो हमने प्री बिल्ड सेट कर दिया था इंस्टॉलेशन के पहले ही। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इंस्टॉलेशन के पहले आपको पासवर्ड एंड आपका वाईफाई का नाम डालना है ताकि आपका वाईफाई डिटेक्ट हो जाए एंड इजीली ड्राइवर जो है वो डाउनलोड हो जाए। तो ये प्रिकॉशंस वाले स्टेप्स है जो आपको पहले ही फॉलो करने हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर नॉर्मली पेन ड्राइव में ही बूट किया तो कंप्लीट हाई ओएस जो है पेन ड्राइव में बूट हो रहा है, पूरा रन हो रहा है एंड लगभग 11 GB का स्पेस फिलहाल। तो बाकी आप इसको हार्ड ड्राइव SSD में भी यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, जरूर से मैं वो प्रीफर करूंगा क्योंकि पेन ड्राइव पे ज्यादा लोड आएगा तो ज्यादातर कितना देर तक चलेगा वो हार्ड ड्राइव में हम SSD में जरूर से शिफ्ट करने ही वाले हैं। मॉनिटर्स की फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कोई मॉनिटरिंग वगैरह करना है कैसे यहाँ पर कोई GPU फेलियर वगैरह आ रहा है तो आपको जरूर से हाइव ओएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लॉगिन करोगे तो आप मोबाइल डिवाइस से भी आप जो है वो GPUs को या फिर माइनिंग्स को सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। एंड हाई ओएस के ऑफिशियल वेबसाइट से आप इजीली जो है वो चेंजेस वगैरह जो है आप जरूर से कर सकते हो। हाई ओएस के फीचर्स को जैसे आपको यहाँ पर फ्लाइट शीट्स बनानी पड़ती है जिसकी मदद से आपको कौन सा माइनिंग यूज कर रहे हो, कौन सा माइनर आप यूज कर रहे हो एंड बाकी के सब आपको परफॉर्मेंस वगैरह सेट करने पड़ते हैं ताकि आपका जो है वो माइनिंग स्पीड अच्छे तरीके से आए। तो पूल जो है वो इथर माइनर का यूज कर रहे हैं एंड जो माइनिंग सॉफ्टवेयर होने वाला है वो NB माइनर से, तो काफी बेस्ट आपको माइनिंग स्पीड वगैरह सब कुछ देखने मिलेगा इथेरियम के लिए अगर आप इथेरियम माइन कर रहे हो। एंड इथेरियम वैसे यहाँ पर फिलहाल तो न्यूज आ रही है कि नेक्स्ट ईयर तक बैन हो जाएगा, इथेरियम 2.0 आएगा तो हम अगला जो क्रिप्टो करेंसी है वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे अर्गो या फिर रेवन के यहाँ पर। बट यहाँ पर कंप्लीट सेटअप वगैरह आपको करना है एंड वहाँ पर आपको वॉलेट आईडी भी डालना है, आप API की वगैरह सब कुछ सेट करना पड़ता है। वो ध्यान से धीरे धीरे करके इजीली स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना, आपको इथेरियम का वॉलेट चाहिए रहेगा वो एक बार ध्यान देने वाली बात है क्योंकि अगर आपके पास वो नहीं रहेगा तो आपके पैसे आपको कैसे मिलेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये कंप्लीट ओवरऑल सेटअप हो जाता है एंड हमें यहाँ पर ओवरक्लॉक करना सब कुछ परफेक्ट सेटिंग्स करने के बाद जो है वो कॉन्स्टेंटली 60 MH/s का यहाँ पर हैश रेट स्पीड देखने को मिलता है। 2500 के अंदर जो है ओवरक्लॉकिंग कर दिया है एंड जो कोर क्लॉक है उसको -500 तक कर दिया है। तो हमें यहाँ पर हैश रेट जो है कॉन्स्टेंट 60 देखने को मिलता है। पावर लिमिट जो है हमने 130 वैट्स तक रखी है एंड लगभग 370 वैट्स का पावर कंजम्पशन हो रहा है जो कि काफी बढ़िया है। एंड NVIDIA RTX 3070 को लगभग 125 तक आपको दे सकते हो, काफी आपका जो है बिल भी बच जाएगा एंड आपका हीटिंग इशू भी प्रिवेंशन हो जाएगा। यहाँ पर 70 डिग्री तक जा रहा था, 77 तक पहुंच रहा था, तो हमने यहाँ पर पावर लिमिट्स को सेट करने के बाद हमारे जो है वो अभी 54 to 56, 60 के आपको बिल्कुल जाता नहीं, तो काफी बेस्ट यहाँ पर सेटिंग्स हमें देखने मिले। कोई एक्स्ट्रा फैंस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं एंड हमने माइनिंग का रिग जो है पूरा सेट कर लिया है। फिलहाल तो 3 GPU के साथ है, यहाँ पे फ्रेम पे काफी मेसअप सा दिख रहा होगा बट यहाँ पर वर्किंग कंडीशन सब कुछ टेस्टिंग के लिए काफी बेस्ट है। 3 GPU के साथ हमने यहाँ पर पूरा टोटल ओवर कॉस्टिंग वगैरह आपको देखने को मिलता है, तो लगभग 300+ जो है डॉलर्स हमें महीने का आ जाएगा, तो लगभग प्रॉफिटेबल्स रहेगा जहाँ पर आपका लाइट बिल्स वगैरह सब कुछ कट करके। वो फिलहाल तो यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करे बट जरूर से हम आपको 1 month का ओवरऑल एक्सपीरियंस इथेरियम माइनिंग का आपके साथ शेयर करेंगे। बट ये था मेरा ओवरऑल फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस 3.85 lakh rupees का माइनिंग मशीन एंड जो भी आपको डिटेल्स अगर चाहिए होंगी जैसे कि कोई GPU से रिलेटेड या फिर राइजर्स वगैरह जो भी आपको माइनिंग्स के रिलेटेड इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए रहेंगे तो DM me Instagram पे जरूर से DM कर लेना, मैं जरूर से आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड ये था ओवरऑल मेरा फर्स्ट एवर माइनिंग का एक्सपीरियंस, काफी बढ़िया है, हमें काफी एक्साइटिंग वाला फील था, थोड़ा नर्वस भी था क्योंकि न्यू फील्ड है तो कुछ इक्विपमेंट्स डैमेज वगैरह ना हो जाए, काफी खर्चा किया है तो नहीं, यहाँ पर काफी परफेक्टली हम यहाँ पर सारे भाइयों ने मिलकर एग्जीक्यूट कर लिया। तो
इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं सारे सवाल के जवाब देता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।